हैप्पी गणेश चतुर्थी। हमारा भरा भरा घर खाली हो गया। नानी हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको एक न्यू मेहमान से मिलाने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा क्यूट है एंड इसका नाम है टफी। ये क्यूटी टफी आजो 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 बहुत शरारती हो। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने नानियों से मिलने। अभी मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। चलो देखते हैं कहाँ मिलते हैं। नानी नानी क्यों? हाँ जी बाकी कितना? ओए लड़ाई नहीं करनी, मस्ती देख रही हूँ इनकी। नानी इसको भी आडू में क्या हो गया? ठीक है। यार इनसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है ना। नानी नानी बाइटी आ रहा है। आजो क्या हुआ नानी? क्या हुआ? बोर्ड मिश कितना? मैं भी टानू बोर्ड मिश कितना। भाई 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 शाम में मिलते हैं। सो मैं आगे थी और आज हम शिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअली आज नहीं, हम कल शिफ्ट कर रहे हैं। एक्चुअली पापा गवर्नमेंट जॉब में थे और पापा रिटायर हो चुके थे। हमने सोचा था कि हम अपने घर जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारा कुछ इश्यू चल रहा था। सो आज हम रेंटेड हाउस में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब हमारा बन जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों के लिए ही जा रहे हैं तो अभी सब तैयारी चल रही है। आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए गद्दे। ठीक है डैडी, ये सब पैक हो चुके हैं, भैया कर रहे हैं। एंड ये हमारा सारा सामान जो है हम पैक करके हम लेके जाएंगे। बहुत ज्यादा सामान है वैसे। कितना टाइम लगेगा भैया? कितना टाइम लगेगा? दो घंटे। अच्छा दो घंटे में हो जाएगा सब कुछ? वाह। और ये देखिए हमारी रसोई, यहीं पर इतना सादा सामान है। आंटी जी भी आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए और मम्मी कपड़े सी रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये अभी गद्दे हटाने हैं। ठीक है, टीवी है, वो सारा सामान है, ये सब। हैप्पी गणेश चतुर्थी, आज गणेश जी का बर्थडे है तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। वो मेरे दादा दादी जी, वो मेरी बचपन की पिक और वो जस्सी है, ये जस्सी है। तो आपको मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ। ठीक है, चाय मेरी बन रही है। अभी पैकिंग में दो घंटे लगेंगे, मतलब ये सब कुछ जब फिर खत्म हो जाएगा फिर हम वहां पर जाएंगे। मैं आपको न्यू घर दिखाऊंगी और कल हम इस घर को बाय बाय कर देंगे। रोना आ रहा है यार। चलो कोई ना, ये जर्नी है यार, चलती रहती है। सो ये हमारे प्लांट्स हैं, इसको लेके जाएंगे। ये भी हमारी प्लांट्स है वैसे। यार थैंक यू आम, इतने साल हमें आम खिलाने के लिए। थैंक यू नींबू, इतने साल हमें नींबू खिलाने के लिए। थैंक यू। एंड आपको मैंने ये नहीं दिखाया ना, हमारा ये स्टोर रूम था। यहाँ पर भी बहुत गंद नहीं कहते यार, सामान है, बहुत सामान है यहाँ पर। मम्मी की कहूंगी, कल छोड़ के जा रहे हो, कितना फील हो रहा है? बहुत फील होएगा, अभी तो बहुत फील होएगा, अभी नहीं लग रहा क्योंकि अभी हम बस पैकिंग कर रहे हैं। कल जब हम शिफ्ट करेंगे तब हमें असली पता चलेगा। हमारा भरा भरा घर खाली हो गया। बहुत मिस करने वाले हैं यार। ऑलमोस्ट सारा पैक हो गया और मैं दो तीन बार इमोशनल होके बैठ गई हूँ, रो रो के। होता है यार, जब मैं यहाँ पर हम शिफ्ट हुए थे मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे पेड़ पौधे थे इसलिए भी। और अभी छोड़ने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मानो का बर्थ यहाँ पर है और मानो की बहुत सारी यादें यहाँ पर है यार, मानो की भी हमारी भी, इसलिए मन नहीं कर रहा। और वो एक दिन हमें छोड़ के चला गया, पता नहीं वापस आएगा नहीं। अगर आया तो हमें ढूंढेगा तो मिल पाएंगे या नहीं। नहीं रोना। तो बस यार वो वापिस आ जाकर आया। मैं मानो की बात कर रही थी, वहां पर बीच में भैया आ गए। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। मानो एक्चुअली मेरी बिल्ली थी, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत सी। बस वो आ जाए यार, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। या फिर अगर नहीं भी आना तो जहां पर भी हो वो,
खुश रहे। चलो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। फिलहाल हमारा सामान सड़क पे ही पड़ा हुआ है बाहर। बेटा सेकंड, ये देखिए सामान पूरा। तो अभी पता चल रहा है कि आप कभी भी रेंटेड हाउस में रहो ना, तो ज्यादा सामान खरीदो ही ना, अपने घर पे ही ज्यादा सामान खरीदो। हाँ जी, हम इतने सफाई करते थे ना, ये देखो कितना गंद निकला। ये मेरा गला है, मैंने अपनी रखड़ी के सारे पैसे इसमें डाल दिए और मैंने ये लिख दिया जूनू एंड किमी को उनके लिए। मैं ये छड़ के नहीं जान दे रही, तुझे कह रहे गला छड़ जा। डैडी कह रहे जो तुझे पैरेट बनाया से वो भी छड़ जा। मैं क्या क्यों, मम्मी ने बनाया है वो। आधा सामान लोड हो गया, मतलब पूरा ही हो गया, थोड़ा सा रह गया, ये गद्दे रह गए। मामा जी भी आए हुए हैं। खाली खाली घर। बाबा जी को हम शाम को लेके जाएंगे फोटोज को। आंटी जी चाय बना के लेके आए हैं, थैंक यू आंटी जी। पता नहीं पप्पा कहाँ हैं, पप्पा बोल रहे। बस हम थोड़ी सी चाय पियेंगे, फिर देखते हैं शाम तक हम चले जाएंगे। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, मतलब अच्छा हुआ है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। So, चाय पी रहे हैं अब हम, मेरी भरी हुई है। तुसी कट करते किन्नी चलाक ने मम्मी, चाय थोड़ी बंद है। ओवरलोड हो गया, अब वो यूज कर रहे हैं। अभी गद्दे पड़े हैं, मेरे प्लांट्स हैं आगे भी पीछे भी। बाय बाय सामान। वाओ यार क्या ब्यूटी है। सो मम्मी पापा जा रहे हैं वहाँ, सामान सामान रख देंगे और मैं यही रुक रही हूँ। पापा मम्मी जा रहे हैं, बाय बाय सामान। मम्मी पापा आएंगे थोड़ी देर बाद वहाँ पर सामान सामान अंदर रखवा के, और जैसे भी आ जाएगा आई थिंक 7:30 तक, वो पहले उस घर जाएगा फिर मम्मी पापा को लेके इधर आएगा। तो मैं तब तक ऑल अलोन हूँ। और मैंने आंटी जी को कह भी दिया, अगर मानो आए तो उसे बता देना, हमें कॉल कर देना। उसे क्या बताएंगे, हमें कॉल कर देना, सो देट हम उसे ले जाएंगे तो वो बता देंगे। बाद में बात करते हैं यार, मेरी माँ बहुत दुख रही है। A few moments later. So, मैं अभी अकेली हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है। और मैं सोच रही थी कि मैं लेट जाऊँ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, पर फिर भी मैं सोई नहीं, बस मोबाइल पे स्क्रॉल करती रही और कोई वीडियो भी अच्छे से नहीं दिख पाई क्योंकि हमारा यहाँ पर वाईफाई कट चुका है और मेरा नेट चल नहीं रहा है। इस घर में तो मेरा नेट चलता ही नहीं है, मतलब फोन वाला। एयरटेल का पता नहीं क्या इश्यूज आते हैं, मतलब चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, बस वाईफाई चलता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुंह हाथ धो के अपने नानियों के पास चल जाती हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि शाम को उनके पास जाऊंगी और सुबह मैं उन्हें कुछ खिला नहीं पाई थी, तो उनके लिए शायद पेडिग्री लेके जाऊँ, शायद नहीं पक्का ही लेके जाऊंगी क्योंकि हम शिफ्ट हो रहे हैं और कल मैं उन्हें शायद मिल पाऊँ। और आज अभी कोई साफ सफाई नहीं कर रही है क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि जिस दिन शिफ्ट करते उस दिन साफ सफाई नहीं करते। तो बस अभी मैं पहले अपना गुलिया थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। मैं आपको नाने के पास नहीं, आपको मार्केट में मिलता हूँ, ठीक है? पहले मुंह हाथ धो लूँ मैं, बाय। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। चंडीगढ़ में भी बहुत ट्रैफिक हो गया है क्योंकि एक घर में दो दो तीन तीन कारें। ए देखो कितनी कारें। लो जी पहुंच गए हम मार्केट। ये है योग मंदिर जहाँ से मैंने योगा सीखा और अब ये फ्री में सिखाते हैं। हेलो नीनी आया, छोड़ो छोड़ो टांग काटता, छोड़ो भाई। नानी किट्ठी है बाकी, तेरे भाई पहन किट्ठे आ। ओए 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 ओए, सवेरे में कुछ लेके नहीं आए सी ना, हूं लेके आए रेले खाना खाना या सिट। ओ गुड गर्ल जैसी भी आ गया। ओए तुलसी के तुलसी
ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੋਜੀ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ सब 10 का है, समोसा 10, ब्रेड 10, हॉट डॉग 10, टिक्की 8। कहाँ मिलती है टिक्की 8 रुपए की? थैंक यू। अमेजिंग हॉट डॉग, बहुत टेस्टी था। और अभी हमने एक और मंचूरियन की प्लेट करवाई है, भाई एक और हॉट डॉग खा रहा है। हमारी मंचूरियन बन रही है एंड भाई हॉट डॉग खा रहा है। और अभी भैया ने बताया कि पकौड़ा किंग है इनका रेस्टोरेंट का नाम, गूगल पे आप सर्च करना जरूर। बहुत गर्म है, गर्म है तो से गर्म सेट तो पड़े ना, धुआं निकल रहा है इतना गर्म गर्म तो मैं खा नहीं सकती। भाई ट्राई करेगा, अभी इसका मुंह देखना लगा गर्म नहीं 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 पाजी। चलो ठीक है पाजी, थैंक यू बाय। लो जी हम वापस आ गए यहाँ पर, इस सेक्टर इस घर। भाई कैसा लग रहा है, खाली खाली घर? बहुत बढ़िया लग रहा था, है ना। तो बस अभी हम मम्मी का वेट कर रहे हैं, जब वो आते हैं तब देखते हैं। वैसे तो काफी अंधेरा हो गया और आज मुझे नानियों से मिलके इतना अच्छा लगा यार। मतलब है ना, यही कमाई है मेरी तो। ऐसा लगता है जब उनके साथ होती है, ऐसा लगता है कि मैं ना इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ। एलन मस्क भी मेरे सामने कुछ नहीं है ज्यादा हो गया बस अच्छी है यार। इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ और कल मैं आपको न्यू घर दिखाती हूँ। आज शायद हम आरडी चल जाएं, आज हम वहाँ पर रहेंगे और कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। बस ठीक है, आपको ऐसी बोर करती नहीं और मैं बोर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बाय। मुँह हाथ मली है, चमक गई हूँ मैं, तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट।